सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बढ़िया। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और प्यारी सी आराध्य से भी, है ना आराध्य। तो दोस्तों, सारा काम तो निपटा दिया है मैंने, नाश्ता पानी भी बना लिया है और गोबर भी निकाल दिया है और अब चलते हैं हम नाश्ता करने। तो अब हम नाश्ता करते हैं और लोगों ने तो कर लिया है, अब मैं करती हूँ नाश्ता और उसके बाद कहाँ जाना है। तो दोस्तों, हम करेंगे नाश्ता में क्या करेंगे, ये भिंडी की सब्जी, और दूध और मंडवा की रोटी। और आप लोगों को भी खाना है तो आ जाएगा, है ना। हाँ, आराध्य बोल रही है कि आप भी आओ, है ना आराध्य। इधर देखो आराध्य, आजकल बोलती है मम्मा बाबा, पापा के लिए बाबा कहती है। ए, देखो इसे, तो दे आराध्य मंडवा की रोटी बना रखी है हमने, है ना आराध्य। आराध्य भी खाएगी बस, देखे आराध्य भी खाएगी बस, और आपको भी खाना है तो आ जाए। आराध्य को तो मैंने अभी मुंह भी नहीं धुला है। तो दोस्तों, नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों, हो गया है हमारा भी नाश्ता पानी और अब चलते हैं हम खेत में झंगोरा गोड़ने। तो है ना आराध्य, तो अकेले रहेगी ना। तो दोस्तों, हम निकलते हैं, अब हम जा रहे हैं खेत में, मेरी ननंद दोनों और मैं जा रही हूँ झंगोरा गोड़ने। आजकल तो ये काम भी शुरू हो गया है और निकलते हैं हम, निकलती हूँ मैं भी और मेरी ननंद तो पीछे से आ रही है और मैं यहाँ घर के नीचे आ गई हूँ और हमने जाना है वहाँ नीचे। तो हमने जाना है इस हारी और उस हारी तो गोदा है, मतलब मंडवा, और यहाँ संगोरा है। तो हम जाएंगे इस वाली हारी और लोग तो सब चले गए हैं लेकिन हम तो जा ही रहे हैं। ये है हम तारे में, मैं पहले पानी पीने जाती हूँ। बड़ा ही ठंडा पानी है धारे का, नल पे तो इतना ठंडा नहीं आता है आजकल जितना कि धारे पे आता है। तो दोस्तों, हम दोस्तों यही है हमारा खेत, यहीं नीचे जाए खड़ा का पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा सा नीचे। मेरी ननंद और मैं तो जा रही हूँ और दूसरी ननंद अभी आ रही है। तो दोस्तों, हम जाएंगे यहाँ से इस वाली साइट और पहुंच गए हम अपने खेत में। और इतना हमने परसों गोड़ा और दूसरी जगह से हमने कल लाया और मतलब कि आज तीसरे दिन आ रही है हम इस खेत पे, क्योंकि इस बार ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा गोड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा खार जमा है ना। और ये इतना आज के लिए शुरू काम करना गोड़ना। तो देखिए कितना भयंकर खार जमे है यहाँ पर। ननन तो घास निकाल रही है और ननन जब तक घास निकालती है मैं अकेले गोडूंगी तब तक, और जब तक दूसरी ननन आती है तो ये सारा झंगोरा तो इसके बराबर होना था। और देखिए ये कुछ तो इतना छोटा है, कुछ ये बड़ा बड़ा है। अब ये बोया था और उस टाइम बारिश नहीं हुई, तो आज ही कल बारिश हुई। जो आगे भी बोया था झंगोरा वो भी साथ में जमा है, जो पीछे भी बोए हैं वो साथ ही में। इस सारे तो हमारे दो ही खेत है झंगोरा के, और उसके बाद हमारा ऊपर है दुकान के साइड और उसके बाद तो डांडा ही है। तो तब डांडा गोड़ेंगे, हाल फिल तो यहीं लगते हैं काम पर। और 6-7 दिन बाद अब हम डांडा भी जा रहे हैं, देखते हैं कब निकलते हैं डांडा। पहले भी निकाल सकते हैं और बाद में भी, डांडा का तो डांडा ही जाके गोड़ेंगे और हाल फिल तो यहाँ घर का ही कोड़ेंगे।
यहाँ तक आ गए हैं हम गोड गोड के, और ये बचा है अब। तो दोस्तों अब गोड लिया है हमने और अब निकलते हैं घर। बहुत ही मुश्किल से आज खेत पूरा किया है और निकलती काफ़ी तेज हो रही है दोस्तों, और उसके साथ साथ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए आज कुछ पता ही नहीं चला कब खेत पूरा हुआ। गोड़ते गोड़ते हम निकलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी दोपहर के 2:30 बज गए हैं। तो देखे कैसी बोत की है ये, और ये लोग आ रही है पीछे से। अब निकलते हैं घर क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग गई है। तो दोस्तों पहुंच गए हम धारे में और अब पानी पीते हैं, मुंह हाथ धुलते हैं और उसके बाद निकलते। तो दोस्तों धुल दिया है मैंने मुंह हाथ भी, और अब यहाँ से भी निकलते हैं घर। तो पहुंच गए हम घर, और सबसे पहले आराध्य को देखते हैं। आराध्य कहाँ है? आराध्य आराध्य देखो कैसी हंस रही, टीवी देख रही, क्या टीवी देख रही? ओह मजा। तो आराध्य मम्मी की याद आई, मम्मी की याद आई आराध्य। और आराध्य ने तो बोला अभी अभी दूध पिया है, और पहले हम खाना पीना खाते हैं और उसके बाद दूध पिलाते हैं आराध्य, है ना आराध्य, है ना? तो चलो खाना खाते हैं। खाना जा रहा है, खाना एंड बात खाते हैं अब हम खाना। अब खा लिया है हमने खाना भी, और अब चलते हैं हम आराम करने। और तो दोस्तों आज यहाँ पे बस बंदर आया है, और यहाँ पे जंगोरा डाला था गांव, और मैंने देखो कैसे गिरा दिया है वो सारा का सारा जंगोरा, है ना आराध्य? कहाँ है बोलो बंदर? ऊपर है बोलो कहीं पेड़ पर।